एल्वेश, बेबिका, मनीषा और अभिषेक। बिग बॉस ओटीटी के इस सुपर हिट सीजन के 5 फाइनलिस्ट। आज शो के इस पड़ाव पर आपको खड़ा देख आपकी फैमिलीज का इस कदर गर्व महसूस करना और इमोशनल हो जाना काफी जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात और काफी जाहिर है और वो है कि आज इनके साथ साथ आपकी बाकी फैमिली भी काफी इमोशनल है और उन्हें भी आप पर यकीनन ढेर सारा गर्व होगा। और ये दर्शकों की वो फैमिली है जिससे पिछले 8 हफ्तों में 24 आवर्स लाइव एंटरटेन करके आपने एक अनोखा रिश्ता जोड़ा है। He's not dying, Osiris. मनीषा रानी, I'm dying. चलो अपने फादर से बात कर लो। Hi, Papa. इंग्लिश में बात करो। पापा को नहीं आ पाएगा ना इतना फिर। अच्छा। हाय पापा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मुंबई में ठीक से रह लिया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? नहीं। सलमान सर से मिलिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जिंदगी सफर आपका भी? आए तो थोड़ा मस्का मार दीजिएगा कि मेरे बेटी को, हाँ समझ रहे ना। एल्विश की मम्मी आई है, उस वक्त मुस्कुरा रही थी, अभी भी मुस्कुरा रही है। और तुम वापस रो मत देना यार तुम। नहीं नहीं, मैं इस बात का गम है मुझे थोड़ा सा कि मेरी मम्मी पतली होगी मेरे गम में। मैं तो अरे फिट लग रही है, गोलू छोड़ के आया था मैं। अरे फिट लग रही है, कार्डियो वार्डियो कर रही है। नाम चेंज करना पड़ेगा, पतलू रखना पड़ेगा, मोटू से चेंज करके। अरे मेरा लाडला बेटा। अरे ये आप चाहती थी ना कि आपके पापा भी वायरल बने? मेरे पापा हो गए वायरल, आपके सामने यहाँ के खड़े हुए न्यूज में छप गया होगा बिहार में कि पापा सलमान खान के साथ श्री मनोज कुमार चंडी जी आके खड़े हुए। एक आखिरी मौका देते हैं आपको। हाँ, बुला लो पापा को। पापा के साथ जलवा दिखाने का। वाह पापा, आइए आइए मौका पे चौका जल्दी, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं, जल्दी आइए ना। हीरोइन नंबर वन ने हमारे हीरो नंबर वन पर हमारे घर के हीरोइन ने काफ़ी अत्याचार किए। पहले पलक ने धोखा, जिया से धोखा, कभी टर्मिनेटर बन गए जाके ट्रांसलेटर। चलो अत्याचार तो बहुत हुआ आप पर, देखते हैं आपका इमोशनल अत्याचार से भरा हुआ ये जर्नी। नहीं हूँ एज ऑफ नाउ, जो बॉन्ड है वो एज इट इज चलने दो, रहने दो, दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, बट मैं उस जोन में नहीं जाती। पहली बारी मतलब आपसे ये पहली बारी मिल चुका है, बट मेरे लिए पहली बारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप 2 तक पहुँचा वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल, और जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैंने वीडियोस में भी देखा, उनसे बहुत दिल से थैंक यू। अगर मैं जीतता हूँ तो मज़ा आ जाएगा, बट अगर ना भी जीता तो भी मेरे लिए जीत है कि मैं कुछ लोगों का दिल जीत पाया, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन जिसने वोट करा, एंड मैंने देखा अभी जैसे मीटअप वाला वीडियो हुआ, इतने सारे लोग, इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली सर आपके साथ खड़े होके यही जीत है, मैं यहाँ तक आया वही जीत है, और बाकी जितने जनता ने प्यार करा थैंक यू सो मच, दिल से बहुत सारा प्यार, जीते हारे बस यही जीत अपने। थैंक यू। हाँ जनता जी, इनके इतने वोट। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया है कि विनर कौन है। जनता के मुताबिक द विनर अभिषेक इज एल्विश। Let's go.
आपको मिलता है 25 लाख का प्राइस मनी इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा एक तो मेरी धड़कन तेज है अभी कम हुई है, और आपने पिछली बार वीकेंड के वार पे बोला था कि अगर तुम में से कोई जीता तो तुम क्या स्पीच दोगे। जी तो मैंने बहुत सोची और मैंने एक स्पीच बनाई भी, बट आपने बोला था भूल जाओगे और मैं भूल भी गया। बट मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर ट्रॉफी मेरे हाथ में हो और मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को ज़रूर दूंगा। तो मेरे भाई ये साथ। और मनीषा का भी बोला था, मनीषा प्लीज़। अब ये किसी को भी ट्रॉफी दे दे मायना नहीं है, ट्रॉफी इन्हीं की है। हाँ, तुम हाथ लगा लो, ये घर तो इन्हीं की जा रही है। रोहित स्क्रीन लगा लो, रोहित स्क्रीन शॉट, ये कंसोलेशन प्राइज है। हाँ, ये लो, चलो आप भी लगा लीजिए। या ये थैंक यू सो मच। सो आप जीत चुके हैं इस सीजन की ट्रॉफी को एल्विश, एंड विद दैट इस बिग बॉस ओटीटी का ये बड़ा ही सक्सेसफुल सीजन आप सबके बदौलत। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुश हैं हम सब, आभारी हैं हम सब आपके। तो बस यही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप